नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th के अंदर फोर्थ यूनिट है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इसका हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेटा हमने सेकेंड यूनिट के अंदर भी सेम इस तरीके की जो यूनिट्स हैं इनको हमने सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम सेम ही मेथड लगाएंगे। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को मेथड। देखिए यहाँ इसके साथ वन है, हमारा टारगेट क्या है कि हम फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे। फर्स्ट नंबर सेम रखा, लास्ट नंबर सेम रखा, करना क्या है, ये जो बीच वाला नंबर होता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ 3x है, इस बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है, और ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इनका मल्टीप्लाई तो क्या है, 10 × 1 = 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 10 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आए, -3। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनना चाहिए, -3। तो क्या मैं इस -3x को ये लिख सकता हूँ दोस्तों, -5x + 2x। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, -5x + 2x। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, इसके बहुत सारे ऑप्शन थे अगर आपके दिमाग में आए तो, जैसे -5 - 2 ये भी था, -5 + 2 जो मैंने लिखा है सॉरी 5 - 2 जो ये भी ऑप्शन है इसका, और दोनों ही प्लस के 5 + 2 ये भी ऑप्शन है। किसी भी दो नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है ये साइन, ये है हमारा -3, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे कब -3 बनेगा। देखो 5 × 2 = 10 तो हर एक में बन रहा है, हमें चाहिए -10, हमें क्या चाहिए -10। तो बेटा ये और ये तो खत्म, क्योंकि यहां भी प्लस का 10 बनेगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहां भी -5 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 बनेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा। तो ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, रह गए दो ऑप्शन। अब बेटा आप 5 × 2 = 10, यहां भी 5 × 2 = 10, यहां भी दोनों माइनस के 10 बन रहे हैं, लेकिन टारगेट क्या है, आवर टारगेट इज -3, वी वॉन्ट टू गेट -3। यहां 5 - 2 करोगे तो प्लस का 3 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 3। तो हमारा फाइनल जो वैल्यू है वो ये है -5 + 2। देखो मैंने ये लिखा -5x + 2x, क्यों लिखा ये बात समझ में आ गई, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी होगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्लियर हो गई बात, बस अगर आपने ये फर्स्ट लाइन ढंग से लिख ली इसका मतलब आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यहां एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां इन दोनों में से लेना है सिर्फ, ध्यान रखना एक्स फर्स्ट टू नंबर्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो यहां एक्स बच गया, अंदर बच गया एक्स -5, यहां एक्स था ना ये बाहर आ गया और 5 अंदर बच गया। क्लियर, यहां देखिए ये 2 है और ये 10 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स बच जाएगा, इस 10 में 2 का डिवाइड कर दो, 10 में 2 का डिवाइड कर दो, तो -10 में जब, ध्यान रखो -10 में जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा -5, क्या बचेगा -5, और इक्वल टू में क्या है 0। एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है दोस्तों, कि x-5 x-5 दोनों जो ब्रैकेट बनते हैं इंटरनल, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए सेम। यहां देखिए x-5 सेम आ गया, इसको मैं फिर कॉमन ले लेता हूं, या ये कह दो सीधा सा, एक बात याद रखो कि x-5 एक बार लिखना है और x+2 दूसरी बार लिखना है, ठीक है ना। कहना रियल में तो क्या हो रहा है, यहां पे कॉन्सेप्ट तो क्या है कि x-5 अगेन मैंने दोनों में आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बच गया एक्स और यहां से बच गया +2। आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना, जब आपको ये दोनों सेम दिख जाए तो इसको अंदर वाले को एक बार और एक वाले बाहर वाले को एक बार, बस उसके बाद क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिखना है। x माइनस फाइव को 0 के इक्वल लिख दिया और x प्लस टू को 0 के इक्वल लिख दिया, यहां से तो क्या आया x की वैल्यू -2 और यहां से क्या आई x की वैल्यू 5। दीज x वैल्यूज आर योर आंसर, ये x की वैल्यू क्या आई 5 और x की वैल्यू क्या आई -2, ये ही हमारे क्या है आंसर है दोस्तों।
नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस बार दोस्तों ध्यान से, यहां रफ वर्क पे ध्यान दो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 12। 12 भी प्लस का या माइनस का, तो ध्यान से देखिए, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 6 है, तो क्या बनेगा माइनस का 12। आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 12, और बीच में क्या है प्लस 1x। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है और लास्ट टर्म सेम लिखनी है। फर्स्ट और लास्ट को तो छेड़ना ही नहीं है दोस्तों, फर्स्ट को सेम लिखा, लास्ट वाले को सेम लिखा, अभी तक कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद देखिए ये x है प्लस का 1x, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो मुझे चाहिए 12, तो क्या मैं 4 और 3 लिख सकता हूं, देखो 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, मुझे 12 ही चाहिए। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या चाहिए, -12 चाहिए, मुझे क्या चाहिए -12, तो एक को माइनस कर दो और एक को क्या कर दो प्लस, देखो 4 3 जा 12 भी बनेगा और माइनस का भी बनेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो तो प्लस का एक्स चाहिए हमें, हमें क्या बन रहा है हमारा माइनस का, तो यहां ये सिस्टम हो गया गलत। अब क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 कर लो इसको, क्या कर लो 4 माइनस 3, देखो माइनस 12 तो अभी भी बन रहा है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 तो अभी भी बन रहा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया इस बार प्लस की डिजिट बड़ी कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि मुझे यहां प्लस का नंबर चाहिए, पिछले क्वेश्चन में मुझे यहां माइनस का नंबर चाहिए था इसलिए मैंने माइनस की डिजिट बड़ी रखी थी। तो बीच वाले प्लस एक्स को स्प्लिट करके मैंने क्या लिखा दोस्तों, 4 माइनस 3, यानी कि मैं लिखूंगा 4x माइनस 3x। इतनी बात अगर आपको यह समझ में आ गई तो आगे आने वाले सारे पार्ट आपको समझ में आएंगे। ध्यान से देखिए, अब ये दो टर्म अलग और ये दो टर्म्स अलग, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 2x, देखो 2 के टेबल में 4 आ रहा है इसलिए 2 कॉमन, और एक्स स्क्वायर और x दोनों में है इसलिए 2x कॉमन। यहां से बच गया x और यहां से बच गया 2, ये वाला 2 कैसे बच गया सबको समझ आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो भी नीचे कमेंट करना है, और नहीं आ रही हैं तो भी दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछना है कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 4 में 2 का डिवाइड किया, यहां बन गया 2, क्लियर हो गई इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। माइनस कॉमन आ रहा, देखो दोनों में माइनस है, दोनों में सेम माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लो, झंझट खत्म। ये 3 है और ये 6 है तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, सेम टेबल में आ रहा है तो 3 फिर से कॉमन, ठीक है ना। तो यहां से बच गया ओनली एक्स, ये 3 था बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया एक्स। अब माइनस 6 में माइनस 3 का डिवाइड करो, माइनस 6 में किसका डिवाइड करें भाई, माइनस 6 में किसका डिवाइड करें, माइनस 3 का, तो क्या बचेगा दोस्तों 3 टू जा 6, ये बच गया प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं आपको, दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 2 को आपने एक बार लिखना है और दूसरी बार क्या लिखना है 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखना है 0 लिखना है। दो पोर्शन कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से आ गई x की वैल्यू माइनस 2, एंड फ्रॉम हेयर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, यहां से आ गई x की वैल्यू 3/2। ये आपके पास क्या आ गई, x की दोनों वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी दोस्तों आपको डाउट है तो आप जरूर नीचे कमेंट कर देना, और अगर ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो भी आप कमेंट कर देना।